वाओ क्या व्यू आ रहा है यार, अमेजिंग। फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है अभी तक की। अभी ये साइड में देख रहे हो ना, ये दुबई फेम सनसेट के साथ में आपको पूरा दुबई दिखा दूंगा। जो रेगुलर ट्रेवल करता हूँ वो सिल्वर क्लास में करता हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिया है स्पेशली गोल्ड क्लास। ये है सामने पड़ती दिख रही हो, ये मेरा बैग और ये मैं। तो अभी है ना बहुत मजा आने वाला है इस पूरे ब्लॉग में। साइड में जो बिल्डिंग जो लटक रहा है ना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है। यहाँ के सबवे में है ना कोई भी आपको खंभे नहीं देखने को मिलेंगे, तो इन्होंने पटरी में ही इन्होंने वो बिछा रखा है इलेक्ट्रिक लाइन, जिससे और खूबसूरत लग रहा है। वाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है, गोल्ड क्लास में पैसा वसूल। आज मैंने ये भी देख लिया। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं हूँ अभी टैक्सी में और मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी जगह। आप लोग देखोगे ना तो उसको आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ड्रीम देख रहे हो, सपना देख रहे हो, सपने की दुबई देख रहे हो। तो मैं हूँ बेसिकली अभी टैक्सी में। एक हमारे भाई हैं जो इंडियन के हैं, ये भी हमारे चेन्नई के हैं, साउथ इंडिया के। तो ये अभी लेने आए हैं, अभी चलते हैं एक बार मेट्रो और फिर मेट्रो में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो मेट्रो में मैं लूँगा आज एक गोल्ड क्लास का पास, देखो मिलता है या नहीं मिलता है, फिर आपको सारा एकदम गोल्डन दुबई दिखाऊँगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस कराऊँगा। तो गाइस बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं। फाइनली आ गए हैं मेट्रो, आप लोग वो देख रहे हैं वो सामने मेट्रो है। भैया यहीं साइड में रुका देना, जिस साइड में बस खड़ा हुआ है ना उधर पे रुका देना। ये रहा हमारा शानदार सा मेट्रो स्टेशन, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है इंडिया की तरह ही, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर मेट्रो में सफ़र करोगे तो अब सेम रहेगा, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ अभी मुझे लेना पड़ेगा गोल्ड कार्ड, वो भी मैं काउंटर से जाके लूँगा एक बार। तो ये यहाँ पर टैप किया चलता है ना। तो गाइस इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जो आपने अब तक कभी नहीं देखा हो, किसी भी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, ना ही किसी यूट्यूबर ने दिखाया है अभी तक। तो मैं जा रहा हूँ गोल्ड क्लास में। ये रहा गोल्ड क्लास का टिकट, गोल्ड क्लास का पास जो कि मिला है मुझे 25 दिरहम का, जिसमें 19 दिरहम का बैलेंस आया है और 6 दिरहम इसका सर्विस टैक्स। गोल्ड क्लास और सिल्वर क्लास दोनों सेम ही रहता है, बट जब आप इसमें सफ़र करते हैं और पंच करते हैं तब इसमें आपका पैसा जस्ट डबल कटता है, बाकी दोनों की वैलिडिटी सेम ही रहती है और 5 ईयर्स के लिए दोनों रहता है। बट गोल्ड क्लास का एक अलग से केबिन बना रखा है, आधा केबिन यहाँ से जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना गोल्ड क्लास। और बिना गोल्ड क्लास वाले अगर इसमें चढ़ जाएंगे ना तो 100 दिरहम का फ़ाइन देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कहीं पे मेंशन है 100 दिरहम फाइन फॉर नॉन गोल्ड कार्ड होल्डर्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमको गोल्ड क्लास का लेके ही इसमें चलना है। अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, ट्रेन का वेट करते हैं। अभी मुझे लग रहा है 3 मिनट का टाइम लगेगा अभी ट्रेन आने में। तो अभी मैं आ गया हूँ फिलहाल गोल्ड क्लास वाली ट्रेन में, और यहाँ पे है ना सामने कोई ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवरलेस होती है। ये जैसे इंडिया की मेट्रो होती है ना उसमें ड्राइवर होते हैं, बट वैसे कुछ नहीं। आप लोग देखो सामने पटरी दिख रही हो, ये मेरा बैग और ये मैं। तो अभी है ना बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे ब्लॉग में। अभी है ना शाम का टाइम हुआ है ना, तो देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। सनसेट के साथ में आपको पूरा दुबई दिखा दूंगा। अभी ये साइड में देख रहे हो ना, ये दुबई फ्रेम के इस साइड में हमारा है ना ओल्ड दुबई है, और दुबई फ्रेम के उस साइड में हमारा जिस साइड को मैं जा रहा हूँ वो है हमारा न्यू दुबई है। तो हम लोग अभी ओल्ड दुबई से न्यू दुबई की ओर जा रहे हैं, और ये सनसेट हो रहा है। सनसेट में बहुत ही प्यारा लगने वाला है हमारा पूरा दुबई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल ADCB मेट्रो स्टेशन से फाइनेंशियल सेंटर की ओर। तो वहाँ पे है ना अभी जो फाइनेंशियल सेंटर से है ना हमारा सारा नया दुबई स्टार्ट हो जाता है, सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो बहुत मज़ा आ रहा है ना। अभी जैसे ही है ना मेट्रो स्टेशन के अंदर आ रही है ना, एकदम अंधेरा आ जा रहा है। जैसे मेट्रो स्टेशन के बाहर निकल रही है ट्रेन, एकदम उजाला हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं ना अभी ट्रेन को ना ऑपरेट कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑपरेटर नहीं है, मैं ही हूँ। तो लग रहा है जैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। और ये कर्व वाले रास्ते हैं ना और भी अमेजिंग बना रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोग देख रहे हैं ना अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनेंशियल सेंटर से इमरेस टावर की ओर। तो अभी ये देख रहे हैं पूरा नया दुबई, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ना खूबसूरत सी, ये पूरा नया दुबई वाला एरिया है एक्चुअली। और ये देख रहे हैं साइड में जो बिल्डिंग जो लटक रहा है ना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है। और ये है ना इसमें ना बहुत ही अच्छी जो इंजीनियरिंग लगाई है इन लोगों ने, क्योंकि आधा बिल्डिंग ही लटका दिया यार, कोई आसान बात थोड़ा ना आधा बिल्डिंग लटका देना। और ये सनसेट के साथ में जब ये मेट्रो आ रही है ना और भी अच्छा लग रहा है, कर्व ये रास्ते हो रहे हैं ना, ये कर्व तो ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम जैसे लहराते हुए ट्रेन जा रही है। अच्छा एक चीज़ ध्यान करने वाली है, यहाँ के सबवे में है ना कोई भी आपको खंभे नहीं देखने को मिलेंगे, तो इन्होंने पटरी में ही इन्होंने वो बिछा रखा है इलेक्ट्रिक लाइन, जिससे और खूबसूरत लग रहा है। वाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़। अभी फाइनेंशियल सेंटर से हम लोग जा रहे हैं
अभी देखो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग देखने को मिलेगी आपको, ये देख रहे हैं ना फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है अभी तक की, तो आप लोग वो देख रहे हैं अभी। और अभी अगले जो मेट्रो स्टेशन का नाम आएगा ना वो इमरेश्वर, को इमरेश्वर में मेरा दोस्त रहता है कुलदीप, वो यहीं पे ही रहता है, इसी किसी बड़े से टावर में रहता है, कौन से में रहता है अभी एक्चुअल मुझे याद नहीं है, बट ये देखो बिल्डिंग का नज़ारा, वाह अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंग टूर होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग, पूरा तो भाई आप लोगों को कवर करा दूंगा मैं इसमें, अभी बस पूरा दिखाता हूँ। अभी शाम का समय है तो बहुत ही अच्छी धूप पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी का टाइम है तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के। सारी बिल्डिंग्स है ना आप लोगों को ऐसा लग रहा है वो कुछ बिल्डिंग सोने की हैं, एक्चुअली इन्होंने है ना कितना अच्छा कलर दिया हुआ है ना अपने आप में, देखने को कितना बेस्ट लग रहा है। इस साइड में कॉपर की बिल्डिंग है, कॉपर का कोडिंग कर रखा है, इस साइड देखो पीतल का कोडिंग कर रखा है, कितनी बढ़िया चमक रही है ये बिल्डिंग्स, वाह। गोल्ड क्लास वाले में बैठ के देख लेते हैं। हाँ यार एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ्लाइट की सीट पर बैठे हैं ना, उतनी ही गुलगुली लग रही है, पीछे तकिया भी लगा रखा है छोटा सा, तो वो भी है ना बहुत ही आरामदायक है। गोल्ड क्लास है तो अपने आप में बहुत ही अच्छा कुछ भी को, और थोड़ा और अच्छे से, हाँ यार बहुत कम्फर्टेबल है यार ये तो, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मर्सिडीज़ की बस में बैठते हैं ना, वैसा लग रहा है, जो मल्टी एक्सल वाली बस होती है ना मर्सिडीज़ की या फिर स्कानिया की, वैसा लग रहा है एकदम कम्फर्टेबल, बट पीछे नहीं हो सकती है। अब इस वाले स्टेशन से है ना हम लोगों को बुर्ज खलीफा देखने लग जाएगा, क्योंकि हम बुर्ज खलीफा वाले एरिया में आ गए, देखो कितने लंबे लंबे टावर है ना ऊंचे ऊंचे, अभी हम लोग ऑलरेडी अभी साइड में देख रहे हैं ना ये रास्ता जा रहा है ना वो शेख जायद रोड, वो इतने नीचे है ऑलरेडी हम लोग ऊपर हैं इतने मेट्रो के वे में, और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखो कितने ऊंचे हैं एक्चुअली ये, वाह। गाइस अगर आप लोग कोई भी दुबई घूमने आएगा या फिर यहाँ पे जॉब करने के लिए आएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग पक्का घूमना इस चीज़ को, पक्का इस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और दुबई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या मेरे इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक मैं है ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। अब इसके बाद आने वाला है हमारा बुर्ज खलीफा, देखो वो दिखने लग गया ना टॉप में थोड़ा थोड़ा बुर्ज खलीफा, तो वो आने वाला है, और अभी यहाँ से है ना पूरा बिजनेस वे डाउन टाउन एरिया आ जाएगा, अमेजिंग। और ये सामने देख रहे हो ना ये है दुबई व्यू बिल्डिंग इमारत का, ये भी है बहुत ही अच्छा है ये भी देखो, वाह क्या व्यू आ रहा है यार अमेजिंग। और ये दुबई व्यू है जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ना जो निकला हुआ है, उसमें है ना दुबई व्यू कराते हैं, मतलब वहाँ से पूरा दुबई दिखाते हैं वो लोग ऊपर से ही, तो पूरा दुबई दिखता है वहाँ से, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, 60 दिरहम की समथिंग लगता है उसमें भी, उसमें भी मैं जब मैं जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा पक्का। शाम एकदम ढल चुकी है और सूरज एकदम ढल चुका है, वाओ अमेजिंग। गाइस मुझे नहीं पता था यार कि गोल्ड क्लास में हम लोग इतना एंजॉय कर सकते हैं, वो बताओ मैंने कितना एंजॉय किया, बट मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, गोल्ड क्लास अमेजिंग है। अब इसके बाद आएगा हमारा बिजनेस वे, और बिजनेस वे के साथ में ही हमारा डाउनटाउन एरिया ख़त्म हो जाएगा, और सारे जो टावर है ना बड़े बड़े, फिर इसके बाद हमको मिलेंगे इमरेश टावर के पास में, फिर मिलेंगे हम लोगों को मदीना दुबई में, तो वो भी सारा को दिखाऊंगा मैं आपको, अमेजिंग। और ये रास्ता जो कर्व होके जा रहा है ना ये मुड़ के जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के, जैसे मैं ट्रेन को खुद ऑपरेट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, अमेजिंग यार कसम से मज़ा आ गया देख के, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, आप लोग देखो कितना मज़ा आ रहा है। मैं दोनों में शूट करता हूँ एक्चुअली, फ़ोन में भी अपने आईफोन 13 में और ये GoPro में भी।
बना था बिजनेस भी एरिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन है, छोटे छोटे बिल्डिंग है बट बहुत डिजाइन है बिल्डिंग है। वो वाला बिल्डिंग तो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे तो है ना उन्होंने हेलीपैड बना रखा है। देख रहे हो ना ये वाला बिल्डिंग कितना अच्छा लग रहा है, दोनों बिल्डिंग के बीच में जो फंसा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत ही मजा आ रहा है इसको देख के। ये एक्सपीरियंस तो मेरा अमेजिंग रहा यार अभी तक का। ऐसे करके आप लोगों को ना मैं पूरा दुबई घुमाऊंगा। सामने होटल हिल्टन, इमरेस हॉलीडे, अलग अलग टाइप के यहाँ पे होटल्स हैं बहुत सारे। वो इस वाली बिल्डिंग की बात कर रहे थे, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये हमारा शेख जायद रोड साथ में ही, जो कि दुबई की सबसे बड़ी रोड है ये शेख जायद रोड, बहुत ही फेमस है और इसमें बहुत ज़्यादा टोल टैक्स भी लगता है एक्चुअली। मज़ा आ गया, मज़ा, पैसा वसूल, वर्ल्ड क्लास में पैसा वसूल। सामने से जो मेट्रो आ रही है ये क्रॉस कर गई। आप लोग वो देख रहे हो ना बुर्ज अल अरब होटल, कितना अच्छा लग रहा है। ये मॉल ऑफ द इमरेट्स है ये, यहाँ से है ना हम लोगों को बहुत अच्छी शॉपिंग करने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मुझे हर्ष मिला था, भारती का पति, इसी मॉल में मिला था जब मैं एक दिन घूमने आया था। तो वहाँ पे भी बहुत सेलिब्रिटी आते रहते हैं इस मॉल ऑफ द इमरेट्स में। और यहाँ पे एक्टिविटी भी काफ़ी है, एकदम एक वाटर पार्क है, एक एडवेंचर जो ऊपर देख रहे हो ना वो एरिया, वो हमारा है ना कुछ एडवेंचर का भी एरिया है वो, उसमें टिकट देनी पड़ती है फिर उसमें हम लोग कर पाते हैं। और अभी ये हमारा जो एरिया है वो मॉल ऑफ द इमरेट्स का एरिया है। इसके बाद में है ना हम लोगों को आएगा बहुत ही अच्छा एरिया जुमेरा, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा हमारा इंटरनेट सिटी है ना, वहाँ पे हमारी इंडिया की कंपनी है सारी, और अमेरिकन कंपनी भी है, आईटी कंपनी है जो बड़ी बड़ी है ना इंडिया की, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, और भी जो कंपनी है वो सारी है वहाँ पे। और धीमे धीमे करके है ना शाम पूरी तरीके से हो गई ना, अभी धीमे करके लाइटिंग भी होने लग गई है पूरे दुबई में, तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे ही मदीना दुबई पहुँचेंगे ना तो वहाँ पे लाइटिंग हो रखी होगी, तो वहाँ पे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मदीना दुबई अपने आप में भी बहुत सुंदर है, एक बिजनेस भी और दूसरा मदीना दुबई बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, बहुत सबसे अच्छा तो मुझे मदीना दुबई ही लगता है मेरी पूछो तो। सिर्फ बुर्ज खलीफा है बिजनेस वे में, इस वजह से बिजनेस वे अच्छा लगता है, बट मदीना दुबई उससे भी बढ़िया है। अभी तो और ज़्यादा बहुत अच्छा हो गया लाइटिंग के साथ में ही ना। ये देखो है ना दुबई इंटरनेट सिटी में आ गए हैं एक्चुअली हम लोग, तो यहाँ पे है ना अब मिलेंगे हम लोगों को हमारी आईटी कंपनी है एक्चुअली। ये इस साइड में देख रहे हो ना जितना भी एरिया है ये हमारा पूरा आईटी वाला एरिया है, यहाँ पे हमारी सारी आईटी कंपनी है, इंडिया के बहुत से लोग यहाँ पे लोग काम करते हैं आईटी वाले। ये देखो यार मदीना दुबई सबसे अच्छा लगता है, ये देखो कितने दूर से कितना अच्छा लग रहा है, वाओ अमेजिंग यार, लाइटिंग तो हो रखी है ना जैसे भी, और मज़ा आ रहा है देख के। ये सबसे किनारे वाली बिल्डिंग है ना ताज होटल है, ऊपर ताज लिखा हुआ है, इंडिया वाला ताज ही है वो, भारत वाला ताज ही है, और कोई मत समझना आप लोग। वाओ अमेजिंग यार, कितना अच्छा व्यू आ रहा है कसम से, मज़ा आ गया ना ये देख के, मज़ा आ गया सच्ची में। मैं फिर बोलूँगा आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना ये वाला, क्योंकि आप लोग है ना कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में है ना पूरा आपको दुबई देखा। अब आएगा हम लोगों का डीएमसीसी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम लोगों को रैपिड मेट्रो और मोनोरेल दोनों मिलते हैं, तो उससे है ना हम लोगों ने पाम जमेरा वगैरह जा सकते हैं, तो यहाँ से पाम जमेरा जाने की कनेक्टिविटी ही है एक्चुअली। और ये साइड में देख रहे हो ना इमार मॉल है, ये इमरेट्स मॉल जैसे ही है ये भी, जिसको हम बोलते हैं मदीना मॉल, दुबई मदीना, बहुत अच्छा है ये भी अपने आप में, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इस साइड में ना हमारा ट्विस्ट बिल्डिंग है और इस साइड में हमारा बीच है ये भी यार। और अब जो ये एरिया देख रहे हो ना, यहाँ तक हमारा दुबई था जो कि टूरिस्ट प्लेस के लिए था और टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया हुआ है और रहने के लिए बनाया हुआ है। इसके बाद जो एरिया आप लोग देखोगे ना वो सारा आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल एरिया, इन्होंने जो भी दुबई डिज़ाइन किया हुआ है ना तो उन्होंने इस हिसाब से किया हुआ है कि इंडस्ट्री अलग रहे और टूरिस्ट प्लेस अलग रहे, जिससे कि इंडस्ट्री को कोई डिस्टर्ब ना हो। तो अब इस मेट्रो स्टेशन के बाद में आपको मिलेगी इंडस्ट्री, मैं आपको दिखाता हूँ। जवाहर अली जो है ना ये एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट है दुबई का, इस जवाहर अली में इन्होंने पूरा वही बनाया हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया। तो अभी है ना ट्रेन देखो यहाँ पे सारी खाली हो गई, कोई भी नहीं बचा, मतलब ट्रेन खाली नहीं हुई, पीछे तो एकदम भरी होगी, और ये गोल्ड क्लास खाली हो गया।
मैं देख यहाँ से रास्ता भी बदलेगी ट्रेन। हाँ देखो बदल ली ना। वाह यार ऐसे सामने से मैंने पहले बार देखा है रास्ता बदलना, पहले मैंने कभी नहीं देखा था इंडिया में भी नहीं, कहीं सामने से नहीं देखा था, साइड से तो बहुत देखा था। आज मैंने ये भी देख लिया। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना बेहिचक यार मैसेज डालो ना भाई, कुछ पूछो, कैरियर में आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ काम करो, काम इन द सेंस कि जिसको बाहर आने का सपना है, ज़्यादा कमाने का सपना है, पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा यार, मैं हेल्प करने के लिए हूँ, आप टेंशन मत लो। आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई भी क्वेरी डाल सकते हो, बट याद रखना अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री की है तभी। वैसे सोचो मैंने सिर्फ बीए कर रखा है और मैंने ट्वेल्थ कर रखी है तो फिर कुछ नहीं है यार भाई, यहाँ दुबई है ठीक है, यहाँ पे बहुत ही टैलेंट भरा पड़ा है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने कैरियर को लेकर मैं तो कहता हूँ फिक्रमंद हो जाओ और कुछ करो और मुझे मैसेज डाल के पूछ लो जो भी पूछना है और आओ यार और अपनी ज़िंदगी को है ना थोड़ा सा इजी बनाओ, थोड़ा सा एडवांस बनाओ, अपग्रेड करो अपने आप को। सच्ची में बहुत मज़ा आ गया, मुझे बहुत मज़ा आ गया ना इस सफ़र करके, गोल्ड क्लास में सफ़र करके बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। अभी मेरा फाइनली डिस्कवरी गार्डन आने वाला है, वहाँ पे मेरा घर भी आ जाएगा पास में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, प्लीज़ यार कर दो ना सब्सक्राइब। जय हिंद जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, देखो सैल्यूट कर रहा हूँ यार, अब तो कर दो प्लीज़, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।